हेलो गाइस, मैं आज आप लोग को दोरंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है वो आप लोग को बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म फिल अप इन द वेबसाइट एंड आफ्टर दैट आप लोग को मतलब पहले तो DHE यूनिक आईडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन जो फॉर्म फिलअप है वो करना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा, वो लास्ट डेट तो आप लोग का 28 और 29 को होगा, मतलब 28 ही समझ लो। उसके बाद क्या होगा, आप लोग का एडमिशन उसमें हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो मेरिट लिस्ट आप लोग का हो सकता है, आप अगर आप 60% से ज़्यादा ऊपर है तो आपका चांस है कि आपको ज़रूर मिलेगा। एंड सेकंड मतलब 55 से ऊपर होने से भी मिल सकता है, लेकिन 60 से ज़्यादा होने से आपको ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपका क्या होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोग का निकलेगा 4th of July को निकलेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 4th of July को निकलेगा। उसके बाद BSc प्रोग्राम का फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5th को निकलेगा। उसके बाद BCA, BCom, बायोटेक्नोलॉजी उन लोग का मतलब धीरे धीरे 6th 7th तक निकलेगा। उसके बाद 7th से निकलने के बाद आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट में निकलेगा। जो सेकंड मेरिट लिस्ट में निकलेगा वो सेकंड मेरिट लिस्ट 8th 9th 10th 11th एंड 12th 13th तक निकलेगा। कुछ कुछ मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट में निकलता है, लेकिन आप लोग को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद ये सोचना चाहिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाने से आपका ज़्यादा अच्छा है। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में निकलता है। सो उसके बाद क्या होगा, आप लोग का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग मतलब स्कूल में कॉलेज में एडमिशन होगा, तो वो आप लोग का 7 to 18 तक हो जाएगा। तो 7 to 18 तक मतलब 17 to 18 तक मतलब बाद में होगा। तो क्या होगा, उसमें आपको सुबह से लाइन लगना पड़ेगा। सुबह से लाइन लगने से क्या होगा, शाम के 4-5 बजे तक हो जाता है। तो आप ये करना कि सुबह सुबह आ जाओ और लाइन में लग जाओ, तब आप लोग का फर्स्ट में हो जाएगा। नहीं तो बहुत देर लग जाता है, तो आप लाइन में लग लग के भूख के साथ और क्या क्या होगा। सो फर्स्ट में आना। उसके बाद क्या होगा, आप लोग का BCA और बायोटेक्नोलॉजी का है जो वो सेल्फ फाइनेंसिंग का है। सो सेल्फ फाइनेंसिंग में BCA में आपका जाएगा 10 to 15 thousand एडमिशन फीस, एंड बायोटेक का आपका जाएगा 20 to 22 thousand के बीच में जाएगा। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का अगर आपका वो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होने से आपका फ्री में हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में तो आपको 5,000 to 8,000 का पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन जिसका वो जो इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा देखा तो उसका 5 to 8,000 तक लग जाएगा एक फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन में। तो आप लोग वो देख लीजिए। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में। उसके बाद मैंने जो अभी बोला ये सब मतलब लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो इस साल भी ऐसा ही होगा। सो जो मैंने बोला है आप लोग देख लेना कि काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग जल्दी से आ जाना, नहीं तो ज़्यादा देर लग जाएगा। लाइन लाइन बहुत होता है। तो डू कम फर्स्ट एंड मस्ट ब्रिंग योर वाटर बॉटल। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक एवरी वन एंड लेट्स मीट इन आवर कॉलेज।